मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए मामले में देश के नेताओं का क्या रिएक्शन है, ये आपने देख लिया। पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, अब वो देख लेते हैं। घटना के 78 दिन बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को जला दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकामी का आरोप झेल रहे वहां के सीएम एन बीरेन सिंह दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस अपराध में शामिल हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जो गुनहगार है उसको कड़ा से कड़ी सजा दे और उसको एक्शन ले ले लीगली। तो कल उसके घर भी जो एक्यूज नंबर वन है, वो जो पहले पकड़ा था एक, उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। अभी तक मैं 4 तो पकड़ लिया और जो जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने का कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह दावा तो कर रहे हैं कि दोषियों को वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, लेकिन अब तक मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है, उससे विपक्षी दल उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति में जो दिखता है उसी का अस्तित्व होता है। राजनीति में अदृश्य होने की सुविधा प्राप्त नहीं होती। जलते हुए मणिपुर में जिस तरह एन बीरेन सिंह अदृश्य हुए, उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि मणिपुर की स्थिति लंबे समय से नो सीएम वाली है। यह स्थिति कब तक रहेगी और एन बीरेन सिंह कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, इस पर हमारी नजर होगी।